तो सो गाइस मैं आ गया मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों अभी प्लेयर्स। तो दोस्तों सिंपल आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस दोस्तों पहले बात कर दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मैं चला जाता हूँ इस एप्लीकेशन में और कैसे करना है दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस अलाउ कर दो आप दोस्तों, अलाउ सॉरी दोस्तों। तो कुछ अलाउ करने के बाद आपको आई एग्री पर कर देना है और आई एग्री करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर देखेगा दोस्तों थ्री डॉट, आपको इस पर चला जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको लाइब्रेरी चूज कर लेना है और चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, एल्बम आर्टिस्ट जनरल दोस्तों जो आपको जो भी मैं दोस्तों जैसे कि मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फोल्डर्स में आपको क्या करना है एसडी कार्ड या इंटरफेस जिसमें भी आपका गाना है तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं एसडी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी फाइल में आपका गाना जो कोई सा भी फाइल में तो उसमें सेलेक्ट कर लो। तो गाइस मेरा गाना तो सुनाई नहीं देगा आपको क्योंकि मैं हेडफोन ये लगा के रखा दोस्तों, माइक लगा के रखा तो इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा तो सॉरी इसके लिए। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थ्री डॉट पे दोबारा चला जाना है और जाने के बाद दोस्तों ये विजुअलाइजर आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपको गाने का ये बनकर हमको हमारा तैयार हो जाता है और इसका हम अभी चेंज करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप गाने देख सकते हो जो अभी ये अलग तरह के आ रहा है मतलब अलग डिज़ाइन किया दोस्तों, इसको डिज़ाइन को अभी चेंज करके दिखा दूंगा मैं। तो गाइस डिज़ाइन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो ये दिख रहा है आपको इस पर चला जाना है और जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारी, तो यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आ जाता है तो अब यहाँ से कोई सा भी अपने मनपसंद सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो गाइस देखिए अब जो हमारा ये है तो पहले से अभी चेंज हो चुका है और इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों फोटो कैसे चेंज अपना लगा इसमें। तो गाइस फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो पेंसिल का निशान है दोस्तों सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारा इमेज का आ जाता है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे पिक्चर में क्लिक करके आप पता चल जाएगा दोस्तों। इससे जैसे कि मैं कोई सा सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, आप जैसे वो एरो बना के दिखा दिया दोस्तों। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है क्या इमेज पर आ जाना है दोस्तों। इमेज पर आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कस्टम इमेज, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है दोस्तों पिक इमेज, तो आपको पिक इमेज में चला जाना है और पिक इमेज आने के बाद दोस्तों आपको कोई सा भी जो आपका मनपसंद फोटो आप सेलेक्ट कर लो। तो गाइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारे बैकग्राउंड है अभी बहुत चेंज हो चुका है दोस्तों, देखिए दोस्तों। तो गाइस मैं कहना चला के दोबारा दिखा देता दोस्तों और मैं दोस्तों अपना यहाँ पे फोटो आप कैसे लगा दोस्तों जिसमें लिखा है गना स्मार्ट, तो इसमें मैं आपको अपना फोटो कैसे लगा दोस्तों। सिंपल आपको क्या करना है पेंसिल पर क्लिक कर देना है, आने के बाद दोस्तों आपको जो लास्ट वाला इमेज दिख रहा है दोस्तों तो आपको इसमें आ जाना है और आपको एरो बना के दिखा रहा है कि ये यहाँ का है, तो आपको इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपल दोबारा इमेज पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कस्टम इमेज दिख रहा होगा आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पिक इमेज पे आ जाना है और आने के बाद दोस्तों आपको फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेना है लेकिन दोस्तों उससे अलग कर लेना है। तो गाइस ये वाला मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जो मेरा अभी ये है दोस्तों ये चेंज हो चुका है दोस्तों, जो सारा इमेज है दोस्तों आप ट्राई कर लेना दोस्तों क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो गाइस अभी मैं आपको गाना चला के दिखा देता हूँ मेरा ये कैसे बना दोस्तों। तो गाइस अभी मैं माइक खोल देता हूँ और मैं आपको सुना देता हूँ। तो सो गाइस ये जो मेरा ये है गाने में फ़ोटो लगा तो ये हो मेरा बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो गाइस आपको इस सिंपल इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में आपको एरो दिख रहा है दोस्तों तो इसमें आ जाना है दोस्तों और आने के बाद आपको क्या करना है कि जो एक्सपोर्ट लिखा है दोस्तों आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो गाइस मेरा जो वीडियो है ये सेव हो जाएगा दोस्तों। तो गाइस मैं अभी इसको सेव नहीं करूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करो दोस्तों और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो और दोस्तों ऐसे वीडियो बना के अपने दोस्तों को चमका दो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।